नमस्कार दोस्तों, इनकी आयु 27 साल होने में 6 महीने बाकी है और इनका जवाब है यानी सवाल है सरकारी जॉब और शादी दोनों पॉजिटिव इस हाथ में दिख रहे हैं। वो कब दिख रहे हैं, क्या है, वो सारा जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा मैं बताते जाऊंगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषा का रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा स्क्वेयरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फैलेंज बराबर है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे, और पाम के मुकाबले अंगूठा इतना भी स्ट्रांग नहीं है तो कभी कभी कॉम्प्रोमाइज नेचर भी रहता होगा। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। अभी ये प्राइवेट जॉब में है, बाय प्रोफेशन इंजीनियर है और अच्छी पोस्ट पर है ये उम्र में भी। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती से भाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी है तो आसानी से ले सकते हैं। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट रहता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं और पहले इनके सरकारी जॉब वाले जवाब का सवाल का जवाब देंगे। किसी भी सरकारी व्यक्ति को जब सरकारी जॉब के लिए जो आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं स्क्वायर साइनें होनी चाहिए जो इस जगह पर है। मैं जब क्लोजअप पे आऊँगा तब बताऊँगा। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर यश साइन चाहिए, वो भी इनके हाथ में है। सन माउंट पे फिश साइन चाहिए, वो आगे जानकारी दूंगा आपको। एक ट्रायंगल चाहिए, ये भी है इनके हाथ में। और सूर्य पर्वत की ओर जुपिटर की ओर जाने वाली कोई ना कोई रेखा चाहिए और धन रेखा के आसपास कोई ना कोई ऐसे समीकरण होने चाहिए, तो वो सारे भी इस जगह पर भी दिख रहे हैं। यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है। और ये एज होगी लगभग 28-29 के आसपास। तो मुझे लगता है इनको सरकारी जॉब में ट्राई करते रहना चाहिए, इनके चांसेस मुझे लग रहे हैं। रहा सवाल अब शादी का जो प्रश्न है उस पर भी आएंगे, जीवन रेखा पर आऊँगा तब। यहाँ पर बड़ी खड़ी लाइन ये व्यक्ति को बुढ़ापे में व्यवस्थित इनकम देती है। बुध पर्वत अच्छा है, थोड़ा सा उभार यहाँ पर ज़्यादा अच्छा है। तो बुध पर्वत अच्छा हो तो व्यक्ति को सुंदरता मिलती है और इस पार्ट में जब उभार हो तो व्यक्ति नाम के प्रति ज़्यादा जागरूक होता है। छोटा भी काम करे तो इनका मन करता है मेरा नाम होना चाहिए। अब सीधे सन माउंट पर ही चलते हैं। एक साइन तो मुझे यहाँ पर ही नज़र आ रही है इस जगह पर। एक साइन यहां पर है, एक साइन यहां पर है। एक इस जगह पर है, तीन चार साइन है मुझे इस जगह पर भी नजर आ रही है।
तो साइने तो है इनके हाथ में। हाँ, बहुत ज़्यादा पैसा दे ऐसी नहीं है, पर व्यवस्थित है, यानी उच्च मध्यम वर्ग का जीवन अच्छी तरह से जी पाएंगे। यहाँ पर उभारो तो व्यक्ति को सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, आलस्य फील करता है। और मुझे लग रहा है यहाँ पर स्क्वायर साइने भी होनी चाहिए, तो ये व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ देती है। अब जुपिटर माउंट अच्छा नहीं है, अगर बचपन में जोर से सर पे लगा होगा तो पति पत्नी में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर बचपन में जोर से सर पे नहीं लगा होगा तो पत्नी के साथ भी मनमुटाव रहेगा, समस्याएं रहेगी, और पारिवारिक खर्चा ऐसे लोगों को ज़्यादा लगता है, पारिवारिक समस्याएं रहती है, प्लस परिवार में एक्सपेंस भी ज़्यादा होता है। ये तकलीफ इनको जीवन में रहने वाली है। ट्रायंगल मैं बता चुका हूँ, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंडूरी मंगल व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा व्यवस्थित रहेगी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है, ऐसे लोग जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। एक अच्छा सा मनी ट्रायंगल भी है, तो ये राहु रेखा से आर्थिक रूप से तो बचाव करता ही है। और चंद्र पर्वत पर क्रॉस है, ये जब क्रॉस होता है तो व्यक्ति को जीवन के प्रति हमेशा डर लगता है, आज मेरा जो है कल कैसा रहेगा, उसकी भय सताती रहती है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। चंद्र अति अच्छा है और ट्रैवल लाइन भी है, तो विदेश घूमने के अवसर भी इनको मिलने वाले हैं। हाँ, ट्रायंगल कहीं नज़र नहीं आ रहा, मुझे दिख भी नहीं रहा, और होगा तो इस पर दिख नहीं रहा, और खैर सरकारी जॉब वाला ही हाथ लग रहा है मुझे। पर चंद्र पर्वत अच्छा है तो अच्छे परचेसर होते हैं, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। सेम शुक्र पर्वत भी अच्छा है, और उस पर यहाँ पर थोड़ी सी इस तरह की रेखा है, ये जब रेखा हो तो शेयर सट्टे में भी ध्यान जाएगा इनका। और शुक्र पर्वत अच्छा हो तो कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति में रहते हैं। और हृदय रेखा बहुत स्पष्टता से तो नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिख रही है। ये शनि पर्वत के आसपास से स्टार्ट हो रही है, तो पैसे की तरफ लगाव बहुत ज़्यादा रहता है ऐसे लोगों को, कामुक भावना। और तीसरी वस्तु रहती है फिजिकल होना, यानी हाथ पैर उठाना। और एक दो लाइनें नीचे जा रही, मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और पैसा वापस नहीं मांग पाएंगे, सेवाभावी लोगों के हाथों में रहती है। और ये फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। दोनों में गैप है, माइंड लाइन और जीवन रेखा। जब इस तरह का कॉम्बिनेशन हो तो व्यक्ति जिद्दी होता है, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता, अपने मन के मालिक होते ही है। पर परिवार को जब जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं, और जैसे जरूरत पूरी वहां से निकल जाएंगे। यहां तक माइंड लाइन पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव रहेगा ही एज ऑफ 31 तक, उसके बाद थोड़ी सी माइंड लाइन अच्छी होते 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 धीरे धीरे काफ़ी उत्तम बनकर जा रही है। तो माइंड लाइन व्यवस्थित है। अब जीवन रेखा पर चलते हैं। इनका जो शादी का प्रश्न है, ये एक लाइन मुझे नज़र आ रही है, ये लगभग 28 के आसपास इनके जीवन में ये शादी कराएगी। और बहुत पतली लाइन है तो चट बंगनी पट ब्याह वैसी स्थिति आएगी।
एक समय ये भी लग रहा था कि ये शादी की लाइन हो सकती है, पर ये शादी की लाइन नहीं है, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। इसको हम राहु रेखा पकड़ते हैं। ये 30 की एज के आसपास राहु रेखा है और 35-36 के आसपास ये दोनों लाइनें कट रही है, जो पूरे फोटोग्राफ में भी दिख रही है। ये राहु रेखा का काम करेगी, ये लाइन है। और इस पीरियड में भी काफ़ी ऑफशूट है, पर इतने सारे ऑफशूट कवर नहीं हो रहे, तो 2-3 ऑफशूट यहाँ पर भी है, 36 के पहले पहले भी, 36 के बाद भी। फिर 39 में एक राहु रेखा काटेगी, मैं आगे का मिटा देता हूँ, 39 में एक राहु रेखा काटेगी और इसी जगह पर ऑफशूट भी नज़र आ रहा है और कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ नज़र आ रही है। फिर उसके बाद 41 में भी नियर एंड डियरर की डेथ है, ऑफशूट भी है और राहु रेखा भी है। 41, ये सेम कंडीशन है। 41 के बाद 43 में ऑफशूट है, उसके बाद 43 के बाद 45 में ऑफशूट है बड़ा, 46 में भी ऑफशूट है, फिर 48 में एक छोटी सी, 47 के आसपास या छोटी सी राहु रेखा काट रही है। 49 के आसपास कोई बदलाव आएगा, देश बदलना, घर बदलना, शहर बदलना, व्यवसाय बदलना, कोई ना कोई बदलाव आता है जीवन में जब जीवन रेखा गैप होके चलती है। और यहाँ पर भी ऑफशूट है 49 के आसपास भी। फिर 51 में एक राहु रेखा काटेगी और एक छोटी सी राहु रेखा 53 में काटेगी, और इनके हाथ में ऑफशूट भरपूर है। अब हर एक की तो एज बताना भारी पड़ेगा, अप टू स्टार्ट से ही है। यहाँ से देखिए, ये प्लस पॉइंट भी है, तो जीवन तो उत्तम रहने वाला है पैसे के मामले में। ठीक है, अमुक जगह पे धन रेखा में दम नहीं है, पर ये ऑफशूट इनको कहीं ना कहीं हेल्प करते रहेंगे। अचानक धन प्राप्ति या अचानक से कोई मौका मिलना, ये सारी चीज़ें इनके पास होती रहेगी। और ये यात्रा रेखा है तो जीवन में यात्रा भरपूर कराती है। और इस तरह की रेखाओं अगर व्यक्ति फॉरेन ना जाए तो अपने जन्मस्थल से दूर जरूर रहता है। धन रेखा पर कोई ऐसा कट नहीं है आर्थिक रूप से, ये सारे कट इन्वेस्टमेंट के हैं। ये इस एज में अगर ये साइड इनकम की लाइन चालू रही तो एज 48 के आसपास, एक 54 के आसपास, 53 के आसपास, और ये इन्वेस्टमेंट 44, 46, 50, 53, ये कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कराएगी। और उस तरह का हाथ भी है, दुनिया भर के ऑफशूट है और मल्टीपल इनकम के स्रोत ऑलवेज रहेंगे, ऑलवेज। और ये मैं इंडिकेशन दे ही चुका हूँ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिख रही है, तो मैं इनको ना नहीं बोलूँगा कि सरकारी जॉब के लिए ट्राई मत करो, चांसेस पूरे है एज पर माय ज्ञान। अब धन रेखा जो है वो 36 के बाद इतनी स्ट्रांग नहीं है, 2 साल तो बहुत ही कमज़ोर है, फिर उसके बाद भी इतनी स्ट्रांग नहीं कहूँगा, पर कहीं ना कहीं पैरेलल लाइन है, तो इनकम आती रहेगी प्लस ऑफशूट भी है। तो एज 43 या 44 तक तो कमज़ोर है, 36 से लेकर यहाँ पर। हाँ, ये साइड की इनकम
अगर रही तो ये 39 के आसपास से एक्टिव रहेगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे स्ट्रांगनेस अलग अलग लाइनों में आती जा रही है समय के हिसाब से, तो फिर एंड तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बीच वाला जो समय है वो इतना अच्छा दिख नहीं रहा, पर ऑफशूट बॉफशूट है इनके हाथ में। देखिए ये इस तरह के फोटो में भी देखिए कितने सारे हैं। ठीक है, राहु रेखा भी है तो साथ में ऑफशूट भी है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी सवालों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।